बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नासिर अली। नाज़रीन, जब किसी मुल्क कौम के बच्चों के हाथों में कलम दवात की बजाय बेचने की गरज से फूलों के गजरे हाथ में आ जाएं, तो समझ लीजिए वो कौम तनजली की जानिब गामजन है। जब ये नन्हे बच्चे फूल पकड़कर ट्रैफिक रुकते ही फूल ले लो की सदा लगाते हैं, तो समझ लीजिए हमारा मुआशरा तरक्की की जानिब गामजन नहीं है। आज एक ऐसे बच्चे से हम बात करेंगे जो फूलों के गजरे बेचकर अपने घर की जरूरियात पूरी करने की कोशिश कर रहा है। जी बेटा, क्या नाम है आपका? हुनैन। हुनैन बेटा, कब से ये फूल बेच रहे हो? दो तीन महीने हो गए। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे आप? उससे पहले मैं पढ़ाई करता था। अब पढ़ाई छोड़ दी है कि कर रहे हो? कर रही हूँ। छुट्टियाँ हो गई है। तो ये कितने बजे आती हो ये फूल बेचने? और फिर मैं 7 बजे आता हूँ और 10 बजे चला जाता। 3 घंटे जो है वो आप फूल बेचते हो, और सुबह टाइम जो है वो आप स्कूल वगैरह में पढ़ते हो? और सुबह तो छुट्टियाँ होगी, पहले 7 बजे जाते थे। अच्छा, और 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है। अच्छा, फिर 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है, और उसके बाद 1:30 बजे के बाद? उसके बाद खाना खाते, उसके बाद ट्यूशन, और फिर मदरसे जाते। फिर मदरसे जाते हैं? मदरसे जाने के बाद फिर जो है वो फूल बेचने के लिए जो फिर वो आप आ जाते हैं। तो ये फूल आप कहाँ से लेते हो? खुद बनाते हो कि बने बनाए हुए लेकर आते हो? बने बनाए लेकर आते हो। तो कितने का एक गजरा लेके आते हो, और कितने? 20 का लाता हूँ और 30 का बेचता हूँ। अच्छा, 20 का लाते हो और 30 का जो है वो बेचते हो। तो ज़्यादातर कौन से लोग जो है वो आपसे गजरा खरीदते हैं? कारों वाले ज़्यादा खरीदते हैं। तो कारों वाले 30 रुपये पूरे देते हैं? कभी उन्होंने कहा है कि ये बेटा ज़्यादा ले लो या ऐसे कर लो, कभी ऐसा होता है? हाँ जी, ऐसे दे देते हैं। दे देते हैं, क्या कहते हैं? तो कहते हैं ये ले लो। अच्छा, ये ले लो, पैसे ज़्यादा ले लो। तो इसके अलावा फूल बेचने के अलावा पढ़ने भी जाते हो, और अब्बू भी आपके ये काम करते हैं या कुछ और काम करते हैं? मेरे अब्बू भी काम करते हैं, और भी काम करते हैं, घर बनाते हैं। अच्छा, घर बनाते हैं, और उसके बाद शाम को ये बेचते हैं? अबू आपके शाम को ये बेचते हैं। और कितने बहन भाई हैं आप सारे? हम सारे भाई पांच बहन भाई हैं। कितने भाई हो, कितने बहन हैं? 3 भाई और 2 बहन। सबसे बड़ा आप हो? आप हाँ जी। बाकी छोटे हैं? हाँ जी। तो मकान अपना है या किराए का है? किराए का है। मकान आपका किराए का है? हाँ जी। तो ये कितने पैसे डेली को अंदाजा है कि डेली कितने पैसे कमा लेते हो? 600-700 मतलब कमा लेते हो इतना डेली? आप सिर्फ आप या अबू भी साथ मिलते दोनों? मैं अकेला ही ज्यादा बेचता हूँ। आप अकेला ज्यादा बेचते हो? मतलब एक दिन में कितने गजरे बेच लेते हो? जुम्मे हफ्ते वाले दिन 30-30 बेचते हैं, बाकी दिन 10 या 5। अच्छा, 10 या 5। जो आम दिनों में जो है वो 10 या 5। जुम्मे और हफ्ते वाले दिन ज्यादा क्यों बेचते हैं? वो उस दिन रश ज्यादा होता है। उस दिन रश ज्यादा होता है, इसलिए पूरे ज़्यादा फूल वगैरह बेचते हो ज़्यादा। तो अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो तालीम है जो पढ़ रहे हो साथ साथ, वो आप छोड़ोगे तो नहीं? नहीं, वो मुझे शौक बहुत है। अच्छा, कितना लायक हो पढ़ाई में, कितने लायक हो ये? मेरी 4 में हूँ, और मेरी 4 में पहली पोजीशन आई है। 4 क्लासों में पहली पोजीशन आई है? अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो आप? गवर्नमेंट। तो कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ते हो वैसे अकेला स्कूल? ट्यूशन भी करता हूं। ट्यूशन भी पढ़ते हो? तो पढ़ लिख के क्या इरादा है बनने का? मुझे ये बताओ। फौजी बनूंगा। हां, फौजी? फौजी क्यों बनोगे? मेरा शौक है। शौक है फौजी बनने? फिर भी बंदे को शौक पैदा होता है ना, मतलब डॉक्टर को देख लिया तो डॉक्टर ने अच्छे कपड़े पहने होते हैं, यार बंदा डॉक्टर बन जाए, डॉक्टर की गाड़ी वगैरह भी पास होती है। तो आपने फौजी क्यों बनना है? मुझे शौक फौजी का। फौज शौक फौजी का? अच्छा, फौजी बन के फिर क्या करोगे? फौजी बन के कौम के लिए लड़ूंगा। कौम के लिए लड़ोगे? ये पूरे आपने सोचा हुआ जी, मैं कौम के लिए मैंने लड़ना है बॉर्डर पे जाके अच्छे तरीके से हैं। तो मतलब मुझे आपने ये बताना है कि आप बड़े नन्हे से बच्चे हो, लेकिन आप बातें बड़ी खूबसूरत कर रहे हो, बड़ी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हो। तो ये कभी दिल किया कि मैं फूल बेचने आ जाता हूँ, फिर सुबह जो है बस उठूँगा, उठ के फिर स्कूल जाऊँगा, फिर शाम को आऊँगा, फिर गजरे बेचूँगा, तो खेलने कूदने का कोई टाइम नहीं मिलता? नहीं, खेलने मेरी बाबा कहती है खेलना नहीं है, तो फिर आप मम्मा की बात मानते हैं? अच्छा अच्छा, इसीलिए आपकी जो है वो पोजीशनें आ रही हैं, पिछली 4 क्लासों से आप 1st पोजीशन ले रहे हैं। अच्छा, मामा कहती है खेलना बिल्कुल भी नहीं, नहीं खेलना भी चाहिए, थोड़ा बहुत खेलना चाहिए। नहीं, वो खेल या सिर्फ टीवी देखता हूँ थोड़ी देर। टीवी में क्या देखते हैं?
फौजी देखते हो टीवी में? वो क्यों? वो मुझे शौक है। अच्छा, वो आपको शौक है फौजी देखने का। उसमें फौजी में ज्यादा कौन सी ऐसी चीज है जो मतलब ना आपको बड़ा मुतासिर करती है देखने? वो बंदे को मार देता है। अच्छा, वो बंदे को मार देता है, तो आपको यही चीज पसंद आती है कि जो है मैं बंदे को मार देता, तो मैं जो है ना वो ऐसे वो बारीकों पर हमला करता है। अच्छा, उसे फौजी मार देता। तो आपने ये जो आपकी ख्वाहिश है फौजी बनने की, इसका आपने अपने घर में इजहार किया हुआ है कि मैंने फौजी बनना है? तो क्या मम्मी क्या कहती है, पापा क्या कहते हैं? पापा कहते हैं ठीक है। तो अम्मी क्या कहती है? अभी भी कहते हैं। आपको पता है फौजी जब बंदे को बनना हो तो बॉर्डर पे जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, जान का भी खतरा होता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब ये फूल वगैरह सेल करने के लिए जब ट्रैफिक रुकती है तो आप बेचने के लिए जाते हो, तो फिर बड़ी स्पीड से ट्रैफिक आ रही होती है, तो कभी किसी के साथ कोई टक्कर शक्कर तो नहीं होती? ध्यान से पार करते हो सड़क सारी, देख के पार करते हो? अच्छा, अब मैं आपने से ना थोड़ा सा आखिरी सवाल करूँगा, फिर जो है ना मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मुझे आपने सिर्फ ना ये बताना है कि इन फूलों को बेचते हुए आपको कौन कौन सी परेशानियाँ और कौन कौन सी मुश्किल आती हैं? कोई नहीं आती, पुख्ता इरादे हैं, फुल ही काम करना है, नहीं हटना, पढ़ना भी आसान। नाज़रीन, ये एक मुसलमान हकीकत है कि इंसानियत जो है वो तनजली की जानिब गामजन है, जबकि इंसान बहुत तरक्की कर गया है। तो आज इस नन्हे से बच्चे के अजायम देख के मुझे बहुत सारी हौसला अफजाई मिली है कि वो कह रहा है कि मैं पढ़ूंगा भी और साथ जो है अपने घर की किफालत करने के लिए फूल भी सेल करूंगा। और इस तरह के जो बच्चे हैं वो हमारी कौम का एक बड़ा मजबूत और बड़ा कीमती असासा है, क्योंकि ये हमारे कौम के मुमार हैं, यही हमारा मुस्तकबिल है। और अगर हमारे मुस्तकबिल जो है वो जहनी तौर पर फूल बेच रहा है और साथ पढ़ रहा है, तो ये हमारे ऊपर एक सवालिया निशान है। मैं आपसे ये अपील करूंगा कि आप जो इस तरह के बच्चे हैं इनसे ख़रीदारी ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जो है वो शौक के लिए, ये ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए नहीं कर रहे, ये सिर्फ अपने घर का सर्किट चलाने के लिए कर रहे हैं। और इस तरह के बच्चे जो है वो खेल कूद के से हट के अगर ये इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो अपने घर की परवरिश के लिए, अपनी घर की निगहदाश्त के लिए ये काम कर रहे हैं। हम ऐसे बच्चों की और इस प्रोग्राम के ज़रिए ऐसे लोगों की जो मेहनत और मजदूरी करते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं उठाते, उनकी आवाज़ बनते रहेंगे। ब्राइट स्टार टीवी, फैसलाबाद।